गुलबर्गा वार्ड नंबर 17 महबूबनगर और आसपास के दीगर इलाकों में नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें एरिया कॉर्पोरेटर अयाज खान के साथ बाबा नजर मोहम्मद खान, मजर आलम खान, नईम खान, वाहिद अली फातेह खानी, अमरुल इस्लाम, अली खान, अजमल गोला, लियाकत पटेल, गौस मत्ते मोड, अजीम शिरनी फरोज और दीगर कई कांग्रेस कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर्स, कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 17 के अहम जिम्मेदारी इस यात्रा में मौजूद थे। कॉर्पोरेटर अयाज खान की निगरानी में एमएलए कनीस फातिमा ने डोर टू डोर आवाम से मुलाकात कर कांग्रेस गारंटीज स्कीम को समझाते हुए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की गुजारिश की है। एमएलए कनीस फातिमा और दीगर तमाम लीडर्स को डोर टू डोर कैंपेन करता देख महबूब नगर और आसपास के दीगर इलाकों की आवाम ने कांग्रेस पार्टी के लिए सपोर्ट का वादा कर राधा कृष्णा डोडोमणि जी को वोट कर जिताने का भरोसा दिलाया है। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सबको नमस्ते। आज यहाँ वार्ड नंबर 17 में तब्बू खान के वार्ड में हम लोग कैंपेनिंग के लिए आए हैं डोर टू डोर, और अभी अभी बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्मे पे हम लोग फूलमाला डाले हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का यहाँ पे। बारिश होने के बावजूद भी कई लोग हमारे साथ हैं, इतनी बारिश हुई आज, उसके बावजूद भी तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, तो मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जिस तरह आप लोग ऐसा साथ फिर रहे हैं, उससे डबल जोश में आप लोग अपना अपना वोट डालकर राजा कृष्ण साहब को जिताएंगे। पदयात्रा रखी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम कनीस फातिमा साहिबा, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और सिल्क बोर्ड चेयरमैन। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठा रहे, एक साथ रहे। ऐसे ही हम लोग 7 तारीख के दिन, इससे डबल इसमें हम राधा कृष्णा साहब को जिताना है। हर एक लोग घर से निकल के, एक एक वोट भी कीमती है, एक वोट भी गंवाना नहीं है। और हम लोग यहाँ से यहाँ पे वार्ड नंबर 17 में कैंपेनिंग का बिगुल बजाए हैं। हम यहाँ से रोज़ हर दिन डेली डोर टू डोर हम यात्रा रखेंगे, और हम अच्छी से अच्छी कैनवेसिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग दिलाने की कोशिश करेंगे। आज वार्ड नंबर 17 में मुसलसिल जिस तरह से मैडम कनीस फातिमा साहिबा, जब से राधा कृष्णा साहब ने नॉमिनेशन भरा है, जब से मुसलसिल हर एरिया में जा रही है, उसी तरह आज वार्ड नंबर 17 में मैडम कनीस फातिमा साहिबा यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 17 के अयाज खान साहब उर्फ तब्बो खान साहब ने बेहतरीन यहाँ पर लोगों को जमा किया है। यहाँ लोगों का जोश देखने पर ऐसा लग रहा है कि लोग जो आने वाले 7 तारीख को वो अपना जो जोश है ना, उस दिन दिखाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारे जो गारंटीज जो हम एमएलए इलेक्शन में आपके बीच में आके जो मैडम कनीस फातिमा और हमारे पार्टी के तमाम लोग आकर आपको वादा किए थे 5 गारंटी के, हम वो 5 गारंटी आपको दे चुके हैं, आप लोगों के पास मिल रहे हैं। उसी तरह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आती है तो हम 25 गारंटीज आपके बीच में रखे हैं, जो मुसलसिल आपको बोला जा रहा है, हर मीटिंग में बोला जा रहा है। तो सबसे बड़ी एक जो गारंटी है औरतों के लिए, घर की बड़ी औरत को 1 लाख रुपये दिया जाएगा, घर की बड़ी औरत को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, कोई मजहब नहीं देखकर, हर कास्ट के लिए वो स्कीम है, घर की बड़ी औरत को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इसी तरह ऐसी 25 स्कीमें हैं, मैं हर हर मेरी बाइट में बोला हूँ, फिर एक बार नहीं बोलूँगा मैं।
मगर आज यहाँ जोश देखकर यहाँ पर रामजी नगर में और महबूब नगर में जो जोश देखकर लोगों का ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में हमारे राधा कृष्णा साहब 2-3 लाख से वोट से यहाँ पर जीतेंगे। क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है ये आने वाला इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत वाला है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अगर फिर एक बार वापस आएंगे तो संविधान चेंज करेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। तो आगे हम स्पीच में भी आपको तमाम चीज़ें बताएंगे, मगर फिर एक बार मुझे यहाँ बुलाया गया, मैडम को बुलाया गया, कांग्रेस के तमाम यहाँ पर हमारे लीडर जिसमें चंद्रिका अक्का, बाबा खान साहब, हमारे गौस खान साहब, अहमद साहब, वाहिद अली फातेह खानी साहब और तमाम कारपोरेटर जो यहाँ इस हमारे सागर साहब और पुरुषोत्तम साहब तमाम लोग यहाँ मिलकर जो बेहतरीन तरीके से इस रैली को निकाले हैं, मैं दिल की गहराइयों से मैडम की जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 2024 की असेंबली के इलेक्शन की जो है तैयारियां चल रहे हैं। आज गुलबर्गा नॉर्थ में हमारे मैडम फातिमा जो यहाँ के MLA है उनकी अदालत में जो है 5 नंबर 17 में रैली निकल रही है। हर लोग वोट डालना पड़ेगा, अगर वोट नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट में ये महसूस होगा कि ये लोग मर गए हैं, तो लिहाजा वोट डालने के लिए आके अपना सबूत दीजिए कि हम जिंदा हैं। और हर लोग जो है पोलिंग बूथ में जो है ज्यादा से ज्यादा लाइन लगाकर जो है इसमें वोटिंग करे, और बिलखुसूस कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं हमारे इस इलाके के जनाब राधा कृष्ण साहब दोडबनी जो खड़गे साहब के दामाद हैं, उनको एक बेहतरीन जो है कैंडिडेट हमको दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये कैंडिडेट जो है डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इंशाल्लाह इन्हों आने के बाद गुलबर्गा के जो मसाइल जो रुके हुए हैं, 3-5 साल का जो गैप हुआ है खड़गे साहब की वजह से जो गैप हुआ है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये कंप्लीट होगा। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.